दोस्तों, इस वर्ष की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। क्यों बेहद ही खास बेहद ही सुंदर है, इसके पीछे का मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों 24 मार्च को होलिका दहन, 25 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और भैया, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेगा 2024 में। तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। चाहे धन आकर्षित करने के लिए हम वीडियो में जो उपाय बता रहे हैं वो उपाय करें, चाहे दोस्तों आप जो है धन खींचने वाले यंत्र को भी इस दिन सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी बताया हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। और दिन खोलकर आज सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना राधे राधे जय श्री कृष्ण, क्योंकि होली श्री कृष्ण को अति प्रिय है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय भी हम बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। होली का त्योहार जश्न का त्योहार होता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से खान पान, नृत्य, गायन ये सब किया जाता है। होली का महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में ये हमें ये महसूस कराता है, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और त्योहार की खुशी को साझा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोस्तों भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां, ये सब खुशियों का रंग भरने का काम करता है, लोगों के जीवन को रंगीन बनाने का काम करता है। आमतौर पर जो होली का त्योहार है इससे रंग महोत्सव भी कहा जाता है। ये लोगों के बीच में एकता का प्यार लाता है, इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। दोस्तों होली के दिन कुछ ऐसे कार्य जिन्हें नहीं करना चाहिए इस वीडियो में बताऊंगा। और आज इस वीडियो में होली की राख के जबरदस्त 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जो प्रयोग जानने के बाद आप भी होली की राख को अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। दोस्तों भारत के कई प्रदेशों में होली कास्ट के शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काट करके उस पर रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े बांधे जाते हैं कई प्रदेशों में, और उस शाखा को जमीन में गाड़ करके उसके नीचे मदमस्त हो करके लोग गाते हैं, बजाते हैं, होली उत्सव का पर्व मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जिस प्रकार दीपावली में दीपों की उष्णता से, तेल की गंध से मास्क के संचित जो कीटाणु होते हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार शीतकाल में संचित कीटाणु होली की जलती अग्नि के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, गुलाल आदि की गंध से नष्ट हो जाते हैं। गाते हैं हम, हंसते हैं तेज आवाज में, होली के दिन हम जब गान बजान करते हैं तो गले का व्यायाम भी होता है। दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं कि होली की राख के कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। होली की राख का प्रयोग बताने के बाद यकीन मानिए आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे, और ये फिर कोई साधारण राख नहीं है ऐसा माना जाता है। होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था, होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती थी। अगर आप चाहे तो होली की राख को अपने घर में रखते हैं तो ये बड़ी से बड़ी आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो उसे भस्म करने का काम करेगी। चलिए इस समय आप लोगों को 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बता दूं। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। ये YouTube चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देसी घी, दो लौंग, एक बताशा, एक पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पे आपको लगाना है, तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराना है, तो इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचारी कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मारण है, विध्वंसन है, उच्छाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है,
होली दहन के समय में देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता इन सभी वस्तु को होली की आग में डालना है और बोलना है कि हमारी ये समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है ये दूर हो जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इसके बाद प्रातः काल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर पे आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किया तंत्र विकार, टोना, जादू, भूत, प्रेत ये सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे अभी हमने आप लोगों को ऊपर जो सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री आपको लेनी है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर के आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है वो बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है तो तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है तो आप होली जलने वाले स्थान पर जहाँ पे होली जलाई जाती है उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किसमें लिखना है? भोजपत्र में लिखना है और होली का माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम पे थोड़ा सा गुलाल उस पे छिड़कने के बाद आपको होली की आग में डाल देना है, बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है, उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस राख को डाल देना है। तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वह समाप्त हो जाएगा। और भी इसके जबरदस्त चमत्कारिक एवं गुप्त प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। ये वीडियो 10 मिनट की बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। यदि आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राख को ला करके सर्वार्थ सिद्ध योग में आप गूगल पे भी सर्च करके देख लेना कि होलिका दहन के समय और होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे है। होलिका दहन के सुबह ठीक है तो सर्वार्थ सिद्ध योग में इसे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। होली की रात को सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रार्थना करना है, इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है, आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। अगर आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा आ रही है तो होलिका माता के आपको सीधे फेरे ना लेकर के आपको उल्टे फेरे लेने हैं और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आग की जड़ जलती होली में फेंकना है। आग किसे बोलते हैं? मदार के पौधे को, जिसे हम अकवन के नाम से जानते हैं। तो मदार के पौधे की जड़ जलती होली की आग है, उसमें आपको फेंकनी है और उल्टे फेरे लेने हैं। और कितने फेरे लेने हैं? 7 फेरे लेने हैं। तो इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष में, राजनीतिक क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है, सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें, अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाएं और आपको प्रार्थना करनी है और आप चाहे तो थोड़ी सी होली की राख ला सकते हैं और ईशान कोण पर रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो यह उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में कोई भय का साया है तो वह होली पर 1 नारियल, 1 जोड़ा लौंग, पीली सरसों इन सभी वस्तु को लेकर के पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करे और होली की अग्नि में डाल दे, सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कैसा भी भय हो, जैसे कि भूत प्रेत का भय हो, शत्रु का भय हो, परीक्षा का भय हो, राजनीति का भय हो, कैसा भी भय हो, वह समाप्त हो जाएगा।
दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तो आप होली दहन की शाम को अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर दो मुखी आटा का दीपक बनाएं और चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिक करके दीपक जलाकर आपको रख देना है। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने का आपको निवेदन करना है। तो यह उपाय होली के दिन कारगर सिद्ध होता है। आपको जो आर्थिक हानि हो रही है वो आर्थिक हानि होना बंद हो जाती है। चलिए दो प्रयोग और बता दो, इसके बाद वीडियो समाप्त करूंगा। दोस्तों, किसी बालक अथवा बड़े को शीघ्र ही नजर लगती है तो होली दहन के समय देसी घी में दो लौंग, एक बतासा, एक पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली माता को प्रार्थना करने के बाद होली की राख लाना है और इसे तांबे या चांदी की ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है। धारण करते ही नजर दोष लगना बंद हो जाएगा। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक आपको नजर क्यों ना लगा ले, वह नजर नहीं लगेंगी। और एक अंतिम उपाय बताना चाहूंगा, होली की राख का दोस्तों ऐसा माना जाता है, होली की राख को लाल कपड़े में बांध करके, होली की थोड़ी सी राख को लाल कपड़े में बांध करके अगर आप अपने धन स्थान पर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है ये धन की जावक को रोकता है, अर्थात आपके अत्यधिक खर्च को रोकता है, और ये धन की आवक को बढ़ाता है, अर्थात ये सभी ओर से धन को आकर्षित करता है, धन को खींचने का काम करता है, ऐसा भी माना जाता है। नित्य होली की थोड़ी सी राख खाने से हमें अन्य प्रकार की जो व्याधि होती है, जैसे कि कोई रोग है, भयंकर रोग जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे रोग भी ठीक होते हैं। और होली की राख का नित्य तिलक लगाने से अगर कार्य सभा में जाना हो या फिर आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं आप चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले तो होली की राख का तिलक लगा करके जाए। होली की राख और सफेद चंदन दोनों को मिला लीजिए और तिलक लगा करके जाए, उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी को माने, लोग आपके अनुरूप चले, आपके वसीभूत हो जाए तो होली की रात का तिलक लगा करके जाए, लोग आपकी बात मानेंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि होली की राख के जो 10 एवं जो गुप्त और भी इसके अनेक प्रयोग बताया हूँ वह प्रयोग आपके जीवन में कल्याणकारी साबित एवं मंगलमय साबित जरूर होंगे। और चंद्र ग्रहण भी इस दिन लगने वाला है जो कि उपछाया ग्रहण होगा और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। चंद्र ग्रहण 25 तारीख को सुबह 10:20 से दोपहर को 3:01 तक रहने वाला है। बहुत ही लंबा ग्रहण है और जहाँ जहाँ ये ग्रहण दिखाई देगा सभी जगहों पर 9 घंटे पहले सूतक अवश्य ही लगेगा। हालांकि भारत में नहीं दिखेगा लेकिन इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, हॉलैंड, बेल्जियम, दक्षिण नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, जापान, रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड में जो भी बैठे हुए भगत है उन सभी को इनके नियमों का पालन करना है। उनके लिए ये ग्रहण दिखाई भी देगा और सूतक भी लगेगा तो सभी लोग 9 घंटे पहले अपने घर के मंदिर बंद कर दें। विशेष रूप से गर्भवती स्त्रियों अपना ध्यान जरूर रखें, बिल्कुल भी ग्रहण का दर्शन ना करें। आगे आने वाले वीडियो में आप सभी को सावधानियां बताऊंगा और होलिका दहन पर भद्रा का साया देखने का विधान आता है, लेकिन इस बार होलिका दहन पर होलिका दहन भद्रा रहित है, ग्रहण की छाया है और साथ ही साथ एक खतरनाक युति भी बन रही है। ग्रहों की सूर्य और राहु मिलकर मीन राशि में ग्रहण योग बना रहे हैं जिससे बहुत सारी राशियों के जीवन में उथल पुथल मचेगी और इसके प्रभाव से विशेष रूप से कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि, मेरी राशि यानी मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कार्यों में बाधाएं आएंगी, धन हानि हो सकती है, कार्य क्षेत्र में असफलता मिल सकती है। जो नौकरी पेशा जातक है उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक मोर्चे पर नुकसान हो सकता है, सेहत में गिरावट आ सकती है। तो विशेष रूप से कुछ चीजें आपको बताऊंगा जिनको आप इन चीजों को आप होलिका दहन में अर्पित करते हैं तो ये ग्रहण और ये जो भी राशि वालों पर इस युति का बुरा प्रभाव पड़ रहा है उससे आप बच सकते हैं। दोस्तों, इससे आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी, घर घर में धन धान्य आरोग्य सुख शांति बनी रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं और विशेष उपाय भी बताऊंगा तो कौन सी राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा और क्या उपाय आपको करने हैं। तो मेष राशि वाले, इसी कड़ी में सबसे पहले मंगलदेव का प्रभुत्व आप पर स्थापित है, लाल रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस दिन आपको लाल रंग की वस्तुओं का दान करना है, नीम की लकड़ी मिलती है,
तो वो ले लीजिए, या फिर 7 नग काली मिर्च, 7 साबुत काली मिर्च लेकर के अपने ऊपर से उसार लीजिए और गुड़ ले लीजिए और ओम पवन नंदनाय स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए आपको 9 परिक्रमा होलिका दहन की करनी है और अर्पित कर देना है सिर से उतार करके, और आप जब होली खेलेंगे तो आपको लाल रंग से होली खेलना है। दोस्तों, इससे आपकी एक तो प्रतिष्ठा स्थापित होगी, साथ ही साथ गुस्से पर भी कंट्रोल रहे, जमीन संबंधित मामलों में लाभ की प्राप्ति होगी, कर्ज अगर चढ़ा हुआ है तो उसका भी अंत होगा। जो कुंभारे युवक युवतियों हैं, इनकी शादी में अवरोध आ रहे हैं तो वो समाप्त होंगे, और इस राशि के जातक को एक जटा वाली नारियल लेनी चाहिए, अपनी समस्या उससे बोले और उसके ऊपर फिर लाल कलावा लपेट दीजिए। इसको अपने घर के मंदिर में सुबह ही रख दीजिएगा और सुबह इसका पूजन कर लीजिए कुमकुम अक्षत बताशी से, और फिर रात में जब आप होलिका दहन के लिए जाएंगे तो इस नारियल को अपने साथ ले जाए और होली की अग्नि में अपने सिर से 4 बार उल्टी दिशा में घुमाकर वहीं पे चढ़ा दीजिए। आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य में, भाग्य में और भी जो अन्य समस्याएं और विघ्न बाधाएं आपके जीवन में आ रही है वह सभी दूर हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं हम दूसरी राशि विष्णु राशि वालों की। आप पर शुक्रदेव का प्रभुत्व स्थापित है, तड़क भड़क वाला उज्जवल ग्रह लग्जरी का ग्रह माना जाता है, सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपको क्या करना है, सफेद चंदन पासा जो आता है मार्केट में, व्हाइट वाला जो चंदन आता है वो अगर मिले तो 3 पासे ले लीजिए और उसको होलिका दहन के 3 फेरी लगा लीजिए, उसको हाथ में लेकर के और फिर उसमें डाल दीजिए, आपकी मानसिक चिंताएं बहुत दूर हो जाएगी। नहीं मिलती है तो मिश्री ले लीजिए और 11 परिक्रमा कीजिए, उसकी आहुति दे दीजिए, और अगर गोले की लकड़ी मिलती है तो उसके साथ आप सफेद तिल लेकर के ओम नम शिवाय का जप करते हुए अग्नि में होलिका की अग्नि को भेंट कर दीजिए। दोस्तों, रंग वाली होली वाले दिन वृषभ राशि वालों को सफेद रंग के कपड़े धारण करने चाहिए, पीली और आसमानी रंग से होली खेलनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में ठाट बाट बढ़ेगा, आपके लग्जरीज में बढ़ोतरी होगी, और एक उपाय भी कर सकते हैं, एक पिंक कलर का कपड़ा ले लीजिए, उसमें 11 सुपारी ले लीजिए, पूजा वाली 5 कौड़ियां बांध लीजिए। नॉर्मल सफेद कौड़ियां किसी भी पूजा शॉप में मिल जाती है, और इस पर चंदन का एक बूंद इत्र लगाए और इसको अपने ऊपर से 7 बार वार करके होलिका दहन की अग्नि में अर्पित कर दीजिए। आपके रोजगार हो, व्यापार हो, पति पत्नी के झगड़े हो, कलह हो, जीवन में घर में शांति हो, बच्चों की उन्नति नहीं है, परिवार में रोग दोष है, सभी दूर हो जाएंगे, और जो लोग भी विवाहित हैं वो अपनी पत्नी को इस दिन गुलाबी रंग लगाए, इससे दाम्पत्य जीवन की कलह दूर होंगे। बात करें तो हम थर्ड राशि मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि वाले बुधदेव का प्रभुत्व आप पर स्थापित है, मनुष्य के ज्ञान बुद्धि बोली पर बुद्ध का वर्चस्व स्थापित होता है, बुद्ध देव हरे रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि अगर अमरुद की लकड़ी आपको मिलती है तो कपूर उसके साथ हाथ में लेकर ओम चामुंडा इसका जप करते हुए होली की पवित्र अग्नि में आप अर्पित कीजिए। आप चाहे तो चने की दाल 100 ग्राम होलिका दहन में डालें, आर्थिक संकट समाप्त होगा, 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। होलिका दहन में आप गेहूं की बालियां भी आहुति में चढ़ा सकते हैं, इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सुबह सुबह सबसे पहले होली वाले दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, हरे रंग से होली खेलना आरंभ करें, और कारोबार में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति तरक्की मिलेंगे। आपको एक छोटा सा उपाय भी करना है, भगवान गणेश के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए दोस्तों, और 27 मखाने रख दीजिए गणेश जी के सामने। शाम को जब आप जाएंगे तो चंद्रदेव की पूजा करें और इन मखानों को अपनी समस्या बताते हुए होलिका की अग्नि में अर्पित कर दीजिए। आपकी नौकरी संबंधित समस्याएं दूर होगी। बात करते हम चौथी राशि कर्क राशि वालों की। चंद्रमा का प्रभुत्व है, आप धर्म और मन का कारक ग्रह है चंद्रमा, और सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है, तो 50 ग्राम सौंफ को होलिका में आहुति देनी चाहिए, इससे वाणी दोष दूर होंगे। विशेष रूप से जो बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कोई भी आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, उनको ये काम करना चाहिए। अगर आपके काम बिगड़ जाते हैं, बार बार शादी विवाह नहीं होता है, तो भी ये उपाय करने से आपके बिगड़े काम बनेंगे। और पलाश की लकड़ी किसी भी पूजा की, मैं जो लकड़ियों का नाम बता रहा हूँ ये किसी भी पूजा शॉप में आप जाएंगे
हवन की लकड़ियों की पूरी गिट्टी मिलती है, उसमें आपको तुरंत मिल जाएगी पलाश की लकड़ी। बिल्कुल छोटी छोटी लकड़ियां आएगी, 5-10 रुपए की आएंगी, तो टेंशन ना ले। और वो ले करके लोहवान पर ओम चंद्रम से नमः, ये दोनों चीजें ले लीजिए, जाप कीजिए। ओम चंद्रम से नमः और मंत्र का जप करते हुए 28 परिक्रमा आपको होलिका दहन की लगानी है और वहां पे चढ़ा दीजिए। आप चाहे तो कोई भी दूसरी लकड़ी या कोई नहीं मिलती है लकड़ियां तो सफेद तिल या चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप कीजिए और जिस दिन होली की रंग वाली होली होगी उस दिन सुबह सफेद आंकड़े के पुष्प आपको भोले शंकर को अर्पित करने चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए और पीले और केसरिया या हरे रंग से होली खेलिए। आप देखेंगे आपके जीवन में असीम शांति, धन और सुख की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के जातक समस्याओं से मुक्ति के लिए होली के दिन गेहूं और चावल के आटे का एक चौमुखी दिया भी बना सकते हैं और इसमें तिल का तेल डालकर अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें। दाम्पत्य जीवन सुख में बनाना चाहते हैं तो जौ के 27 दाने ले लीजिए। इनको भी आप होलिका की अग्नि में डाल सकते हैं और शिवलिंग पर अबीर अर्पित करें। दोस्तों बात कर लेते हैं हम पांचवी राशि सिंह राशि वालों की। सिंह राशि पर सूर्य का प्रभुत्व स्थापित है। समस्त ग्रह सूर्य के ही इर्द गिर्द घूमते हैं और लाल, पीला, मैरून, नारंगी ये कलर्स जो होते हैं ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंह राशि वालों को इस बार होलिका दहन में मदार या बरगद की लकड़ी जो आंकड़े का पुष्प होता है उसी की लकड़ी गुड़ के साथ लेकर के या बरगद की लकड़ी ले सकते हैं। ओम भास्कराव विधिमहे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात बोलते हुए अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो 250 ग्राम जौ ले सकते हैं और 29 परिक्रमा आपको लगानी है, साथ ही साथ लोहवान की आहुति देते जाए, ये बहुत शुभ रहेगा। आपके आसपास अगर बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां हैं तो वो खत्म होंगी और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। आप एक काम कर सकते हैं, एक लोटा जल ले लीजिए, उसमें गुलाब के फूल डालकर सूर्य भगवान को सुबह अर्घ्य दे दे। जिस दिन रंग खेलेंगे और लाल रंग से होली खेलिए, ये भी आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाएगा। कुशाग्र होगी आपकी बुद्धि और सक्सेस आपके कदम चूमेंगी। सिंह राशि के लोग एक साबुत पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर एक साबुत पूजा वाली सुपारी ले लीजिए, खंडित नहीं होना चाहिए। एक बताशा, दो लौंग का जोड़ा, यानी दो लौंग आपको लेनी है और देशी घी में डुबोकर पान के पत्ते पर रख दीजिए और सभी सामग्री को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर होली की अग्नि में डाल दे। आपके बिगड़े हुए काम अवश्य बनेंगे। बात करते हैं हम कन्या राशि वालों की। छठी राशि है, बुधदेव का प्रभुत्व आप पर स्थापित है। मनुष्य के ज्ञान हो, बुद्धि हो, बोली हो, सभी पर बुद्ध, वाणी पर बुद्ध का वर्चस्व होता है। जो लोग गालियां देते हैं उनका बुद्ध खराब होता है, उन्हें बुद्ध पर वक करना चाहिए और हरे रंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको क्या करना है, 3 जायफल लेने हैं और 3 ही काली मिर्च साबुत वाली लेनी है और 7 परिक्रमा इसको लेकर के आपको होलिका पर लगानी है। आप चाहे तो हरे पान के पत्ते पर हरी इलायची के साथ ये सब रख सकते हैं और फिर आप परिक्रमा करके इसको आप अर्पित कर दीजिए। आप चाहे तो लकड़ी मिलती है तो बरगद की लकड़ियां, बरगद की लकड़ी लीजिए दोस्तों, और कपूर के साथ इसको ओम ब्राब्री ब्रॉन्सह बुधाय नमः। क्या बोलेंगे, ओम ब्राब्री ब्रॉन्सह बुधाय नमः। इस मंत्र को जप करते हुए आप अर्पित कर दीजिए होली में होलिका दहन में और जिस दिन रंग वाली होली रहेंगी सुबह सुबह गौ माता को हरा चारा खिलाए, इसके बाद होली खेलना आरम्भ कीजिए। कारोबार में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति आपको इस उपाय से मिलती है। और आप अगर चाहे तो 11 लौंग के जोड़े यानी 22 लौंग लेनी है और ये 11 ही दुर्बा की गांठ बना लीजिए और अपने घर के सभी बच्चों से उनको हाथ लगवा कर पूजा स्थान पर सुबह ही रखवा दीजिए और बाद में होलिका की अग्नि में इनको डलवा दीजिए। आपके बच्चे और परिवार के सदस्यों की बुरी नजर से रक्षा होगी। होली पर आप अपने भाई बहनों को हरे रंग का गुलाल लगाए, इससे आपके परिवार के बीच प्रेम भाव बढ़ेगा और संबंधों में मजबूती आएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं हम तुला राशि वालों की। तुला राशि शुक्रदेव का प्रभुत्व तड़क वाली उज्जवल ग्रह है। सेम वृषभ के जैसे आपको गुल की लकड़ी के साथ चीनी अर्पित करते हुए आपको या फिर आप काले तिल और 2 हल्दी की गांठ ले लीजिए और 21 परिक्रमा लगाते हुए ओम तत्व पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात ये जप करते हुए आपको होलिका दहन में आहुति देनी चाहिए, साथ में कपूर भी ले सकते हैं।
आपके धन संबंधी समस्याओं का अंत होगा। होली खेलने वाले दिन उस दिन आप सफेद रंग के कपड़े धारण करें और पीले और आसमानी रंग से होली खेलें। ऐसा करने से ठाट बाट बढ़ेगा, भोग विलास साधनों में यानी लग्जरीज में बढ़ोतरी होगी। और आप चाहे तो एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। एक पीपल का पत्ता ले लीजिए, साबुत पत्ता नहीं हो तो पान ले लीजिएगा, और उसके ऊपर अक्षत, एक पूजा का जायफल और मिश्री के कुछ दाने रखकर अपने पूरे घर में घूमा लीजिए, और इसके बाद सभी चीजों को होली की अग्नि में आहुति दे दीजिए दोस्तों। और जब घर लौटेंगे होलिका दहन की पूजा करके तो अपने मुख्य द्वार पर रोली या कुमकुम से ओम का चिन्ह बनाए, इससे परिवार की कलह समाप्त होगी और घर में खुशियां आएंगी। बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वालों की। मंगलदेव का प्रभुत्व, लाल रंग का प्रतिनिधित्व और लाल रंग की वस्तुओं का दान, ये सभी मंगलदेव शुभ प्रभाव देते हैं। और विशेष रूप से आपको चाहिए कि खैर की लकड़ी अगर मिलती है तो उसके साथ थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, और 28 परिक्रमा आपको लगानी है। आप चाहे तो चने की दाल भी ले सकते हैं, और 100 ग्राम पीली सरसों, ये 3 बार अपने सिर से उसार लीजिए और 28 परिक्रमा होली की लगा करके उसमें आप अर्पित कर दीजिए। आपकी सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का अंत हो जाएगा। और जिस दिन आप रंग खेलेंगे उस दिन आपको लाल रंग या लाल रंग के गुलाल से होली खेलनी चाहिए, इससे प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। आपका गुस्सा जो बहुत बड़ा चढ़ा है उस पर कंट्रोल होगा। जमीन संबंधित मामलों में लाभ प्राप्त होगी। कर्ज का अंत होगा। जो कुंवारे लड़के लड़कियां शादी नहीं हो रही है तो उनकी शादी होगी। और एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं, एक पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर एक साबुत सुपारी, 5 कमल गट्टे के बीज घी रख करके घी में डूबो करके हनुमान जी का मंत्र 27 बार जप लीजिए। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, और जाप पूर्ण होने के बाद सभी चीजों को होलिका की अग्नि में डाल सकते हैं। जिन लोगों को शनि दोष लगा हुआ है उनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए, शनि दोष की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होगी। व्यापार में अगर समस्याएं आ रही है तो वो भी दूर हो जाएंगे दोस्तों। बात करते हम धनु राशि वालों की। गुरु का प्रभुत्व है और गुरु धन पुत्र और विद्या के प्रदाता ग्रह है। धनु राशि और मीन राशि है दोनों के लिए सेम है। और नीम की लकड़ी के साथ होलिका दहन के वक्त ओम ब्रोम ग्री ग्रोन सह गुरुवे नमः का जप करते हुए आप चाहे तो आप विधारा की जड़ मिले तो वो भी ले सकते हैं, और 5 हल्दी की गांठ, ये भी आप दहन में एक साथ अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके रिलेशंस हो, पर्सनल लाइफ हो, आपके जीवन में अशुभता आ रही है, मुसीबतें ज्यादा हैं तो वो एकदम से कम हो जाएंगी। 23 परिक्रमा लगा ले और थोड़ी सी चने की दाल भी साथ में ले लीजिए। इन सबको मिला करके होलिका दहन में आहुति दे दीजिए। एक तो आपके अटके हुए कार्य में गति आएगी और शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। जिस दिन रंग खेलना है सुबह सुबह भोलेनाथ को पीली हल्दी की गांठ अर्पित कीजिए, किसी गरीब को भोजन कराएं। इसके बाद पीले रंग से होली खेलनी चाहिए। ऐसा करने से दौलत और शोहरत आपके कदम चूमेगी। और धनु राशि के जातक को होली पर 7 रंग का अनाज लेना चाहिए। 7 सतनाथ जो कहते हैं, एक एक मुट्ठी हो जाए इतना ले लीजिए, और एक सूखा नारियल लेकर उसको ऊपर से काट लीजिए और जो सतनाज है वो भर दीजिए। उसमें सुबह ही एक उपाय करके पूजा के स्थल पर रख दीजिए। बाद में नारियल के अंदर थोड़ा सा आप घी डाल सकते हैं और वापस ढक्कन लगा कर होलिका की अग्नि में आप इसको चढ़ा दीजिए। आपके नवग्रह संबंधित समस्याएं जो है वह दूर हो जाएंगी दोस्तों। बात करते हैं हम मकर राशि वालों की, यानी मेरी राशि की। शनिदेव का प्रभुत्व है। नीला रंग शनिदेव को प्रिय है और धर्म कर्म करने वाले जातकों पर सदैव आशीर्वाद बनाए रखते हैं। वही जो बुरा कर्म करते हैं उनकी फाड़ कर रखते हैं। तो दोस्तों मकर राशि वालों को होलिका दहन में शमी की लकड़ी मिल जाए तो काले तिल के साथ ओम शम शनि चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अर्पित करें। 15 परिक्रमा आपको करनी चाहिए और काले तिल की आहुति अवश्य चाहनी है, इससे सभी प्रकार की नकारात्मकताएं खत्म होंगी। आपके पास आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें होने लगेंगी। आप चाहे तो 50 ग्राम चावल और 50 ग्राम काले तिल को भी आप मिला करके आप अर्पित कर सकते हैं। होली खेलने के लिए नीले, सफेद, काले, भूरे रंग का प्रयोग करें। उपाय करना चाहते हैं तो पीपल का पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर 1/2 मुट्ठी काला तिल रख लीजिए और इस पत्ते को अपने घर के पश्चिम दिशा में रख दीजिए। ये शनि की दिशा मानी गई है और शाम के समय जब होलिका दहन होगा तो इस पत्ते को अपने ऊपर से 7 बार उतार लीजिए और होली की अग्नि में आहुति दे दीजिए।
आपकी जीवन से सभी प्रकार की बुरी नजर है। पारिवारिक समस्याएं हैं, व्यापारिक समस्याएं हैं, दोस्तों से मित्रों से जुड़ी समस्याएं हैं। पति पत्नी की समस्याएं सभी दूर होंगी और इस दिन आपको जामुनी रंग के गुलाल से होली खेलनी चाहिए। बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि। सेम है मकर और कुंभ की, अभी साढ़े साती भी चल रही है। शनिदेव धर्म कर्म करने वालों पर कृपा बनाते हैं, बाकी लोग उपाय जरूर करिए। आपको भी शमी की लकड़ी के साथ काले तिल लेकर ओम प्रा प्री प्रो स शनैश्चराय नमः इस मंत्र को जप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। आपके पास मूंग की दाल हो और काले तिल हो तो इनको मिला करके भी आप होली पे अर्पित कर सकते हैं। 25 परिक्रमा आपको लगानी चाहिए, काली सरसों चढ़ा सकते हैं, सुख शांति आएगी। जीवन में फिजूल खर्च से मुक्ति मिलेंगे। आपको भी नीले सफेद काले भूरे रंग का प्रयोग कर होली खेलनी चाहिए। एक छोटा सा उपाय कुंभ राशि कर सकते हैं आप, अपने जितनी उम्र है आपके उतने आप उड़द साबुत उड़द जो काली वाली होती है वो दाने ले लीजिए और एक पान के पत्ते पर रख दीजिए और फिर इस पत्ते को आप होलिका की अग्नि में परिक्रमा करने के बाद डाल दीजिए। आपको धन संपत्ति से जुड़े विवाद होंगे तो उसमें भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों बात कर लेते हैं हम लास्ट राशि मीन राशि वालों की, तो गुरु का प्रभुत्व है। आप पर धनु राशि की ही भांति धन पुत्र और विद्या के प्रदाता ग्रह है। गुरु तो मीन राशि वालों को कदम की लकड़ी के साथ चना ले लेना है। चने की दाल पीली वाली और ओम गुरु देवाय विद में पर ब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात या ओम श्री गुरुवे नमः ओम श्री गुरुवे नमः बोलते हुए जप करते हुए आप चाहे तो 50 ग्राम जीरा और 50 ग्राम नमक ले लीजिए, इसकी पोटली सी बना करके होलिका में आप आहुति दीजिए। इससे भी धन लाभ होगा, तरक्की मिलेंगे। आपको 9 परिक्रमा लगानी चाहिए और चाहे तो पीली सरसों भी ले सकते हैं और जिस दिन आप सुबह उठेंगे होली का रंग वाली होली खेलने के लिए तो पीली हल्दी की गांठें आपको भोले बाबा को अर्पित करके किसी गरीब को भोजन कराना है। इसके बाद पीले रंग से होली खेले, दौलत और शोहरत आपके कदम चूमेगी। आपको एक उपाय बता देता हूँ, थोड़ी सी हवन सामग्री एक हल्दी की गांठ एक साबुत सुपारी और कपूरी ये सभी चीजें मिलाकर एक पान के पत्ते पर रख लीजिए और जब होलिका में जाएंगे तो आप 7 परिक्रमा करके इन सभी चीजों को अग्नि में डाल दीजिए। इससे भी आपका मन शांत होगा, प्रसन्न होगा, शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेंगे। दोस्तों धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि के जातक जिन पर भी साढ़े साथी है वे लोग दहन में गुड़ जरूर चढ़ाएं, लाभ मिलेगा। और जो मिथुन राशि तुला राशि के लोग हैं धैया के प्रभाव में है, इसको कम करने के लिए आपको लोबाड़ की आहुति अवश्य देनी चाहिए। ध्यान रखें चंद्र ग्रहण है तो सूतक काल में प्रेग्नेंट महिलाएं या चंद्र ग्रहण के दौरान आप सूतक काल रहेगा। रात में तो प्रेग्नेंट महिलाएं होलिका दहन में आपको नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली चीज, दूसरी चीज आप घर से भी दूर से कोशिश करें कि दर्शन ना करें। अगर करना भी है जरूरी है आपके घर पर तो एक कोई नुकीली चीज अपने पास ना रखें। कुछ लोग कहते हैं नुकीली चीज रख लो, चाकू छुरी ये सब चीजें आपको नहीं यूज करनी है। इस दौरान एक नारियल आप अपने पास ले लीजिए और फिर दर्शन कीजिए, घर से बाहर ना जाए और सुबह जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो नारियल को सिर के ऊपर से वार के फेंक देना है आपको। ठीक है, किसी को दान भी कर सकते हैं या फेंक देना, उसको रखना नहीं है घर में। और फिर स्नान करके सारे जो पुराने वस्त्र है वो आप हो सके तो दान करें, नहीं तो कम से कम ठीक से धोएं। और चंद्र ग्रहण के दौरान पूरे टाइम तुलसी का पत्ता जीप के नीचे रखकर हनुमान चालीसा दुर्गा स्तुति या जो भी आपको मंत्र आता है उसका जप करें। जो भी आपके गुरु मंत्र है उनका जाप अवश्य करते रहे। चंद्र ग्रहण आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, बल्कि आपको कुछ ऐसा देकर जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सुख समृद्धि से आपका घर धन धान्य भर देगा। होने वाली संतान सुख पूर्वक धनदायक बुद्धि तीव और सुखों से भरपूर होगी। ये चंद्र ग्रहण होली के दिन पड़ रहा है तो सूझबूझ के साथ उपाय करें और सच्चे दिल से होली खेलें। जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।